वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युविका आर्ट एंड डांस। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छा सा क्राफ्ट। वो क्राफ्ट का नेम है बॉल कैचिंग गेम। मतलब ये क्राफ्ट भी और ये गेम है। तो चलिए हम देखेंगे इसको कि आज कैसे कैसे बनाना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सो प्लीज़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मटेरियल्स क्या क्या लगेगा मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो ये मेरे पास शार्पनर का बॉक्स है, इसमें खूब सारे शार्पनर्स हैं बट हमें वन शार्पनर चाहिए होगा। एंड दिस इज आर डिस्पोजल, वन डिस्पोजल कप एंड फेविकोल, वूल और थ्रेड। आप कुछ भी ले सकते हैं बट वूल ज़्यादा, वूल ही से करें तो वो अच्छा लगेगा। और दिस इज सेलो टेप एंड दिस इज sheets. So bigger one is used for our mat जो हम करेंगे and pink one is used for decoration, इसलिए मैंने small ली है। और this is also used for decoration. So let's get started. So guys पहले मैं इन सब सामान को एक ही जगह कर लेती हूँ जिससे कि हमारी टेबल पूरी खाली दिखे और हम अच्छे से क्राफ्ट बना सकें। So चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो डिस्पोजल कप है और हमें इस डिस्पोजल कप को पूरा कवर कर देना है विद द हेल्प ऑफ दिस शीट। तो हम फेविकोल लगाएंगे इसमें एंड देन रोल 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 कवर करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कवर करने के बाद। बाय। सो मैंने इसको फुल रैप कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। बस आपको भी सेम एज इट इज ऐसा करना है। अगर आप अंदर का भी पार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन झकास लगता है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आगे के प्रोसेस में हमें वूल को एंटर करना है। तो इधर ना यहाँ पे नीचे हम लोग बनाएंगे एक होल। ठीक है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे करना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बस फिट हो जाना चाहिए हमारा ये वूल और अंदर से। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना गाइस। तो बस आपको ऐसे ही करना है और बस अब मैं इसमें थ्रेड डाल रही हूँ, आई मीन वूल। आप थ्रेड भी डाल सकते हैं। मेरा एंटर करने का नया तरीका है, मैं पहले वूल को आगे से फंसा देती हूँ, मीन्स ऐसे थोड़ा एंटर करने की जगह पे फंसा देती हूँ। देखते हैं, दिखाती हूँ आपको फंसा के। ठीक है और अब मेरी ये सिजर्स है, मैं इसके बीच में इसको एंटर करती हूँ तो जल्दी चली जाती है अंदर इसकी। गाइस ये जो पीछे काने चल रहे हैं आप इसको इस पे ध्यान मत दीजिए, मेरी वीडियो पे ध्यान दीजिए। और ये न्यू टेक्निक थी मेरी घुसाने की। गाइस खींचना है अब आप। ठीक है हमने घुसाई थी वो फिर से निकल आई थी एंड हम इसको एंटर करें। गाइस जल्दी अच्छे से एंटर हो जाएगी, बस आपको घुसाना है, दम लगा के घुसा दीजिए तो आपकी थ्रेड के साथ ये आ गई। ठीक है और अब इसको आप निकलने मत दीजिएगा यहाँ से आप एक बार इसमें। ठीक है जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ करके थ्रेड को कम से कम आपको खींचते रहना है जब तक वो थोड़ा मतलब लास्ट तक नहीं जा रही है एंड फिर इसमें आपको लगा देनी है गांठ। टू टाइम्स गांठ लगाइए और बस हो जाए। देखिए हमने गांठ लगा रहे हैं हम, और गांठ लगाने के बाद जो प्रोसेस है उसमें आपको
बिल्कुल आराम से काम करना होगा, नहीं तो ये खुल जाती है थ्रेड और अच्छे से। अब ये बाहर नहीं निकल रही है, हम कितना खींचें। ओ ठीक है गाइस, तो बस तो गाइस मैं क्या कह रही थी कि आप आराम से इसमें काम करिएगा, क्योंकि ये बहुत टफ काम होता है जब हम इसको थ्रेड को एंटर करना होता है, तो ये बहुत टफ होता है। तो मैं भी धीरे धीरे कर रही हूँ, बिकॉज अब देखिए मैंने पीछे एंटर कर ली और ये थोड़ी बड़ी थ्रेड दिख रही है, तो इसको अब हम कट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना थ्रेड का, बस आप उसको कट कर दिया करिए। और अब ये देखिए फिट हो चुकी है अंदर। अब मैं इसमें टेप को अटैच करूँगी, बिकॉज हम टेप को अटैच करेंगे और वो करेंगे तो दोनों में बिल्कुल बराबर से रहेगा, मीन्स वो निकलेगा नहीं। अगर आप सिर्फ थ्रेड से बांध रहे हो फिर सिर्फ टेप से कर रहे हैं तो निकल जाएगा। और गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने मेरे पिछले वाली वीडियोस चैनल में नहीं देखी है जाके, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और देख लीजिएगा। ऑल द वीडियोस ऑफ क्राफ्ट एंड डांस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेप तोड़ लिया है हमने, ठीक है, और अब हम इसको लगाएंगे बिकॉज ये निकल जाती है। देखिए सो मैंने पूरा टेप से फिक्स कर दिया है, इसीलिए टेप था वैसे। इतना लंबा तो रहेगा नहीं गाइस, देखिए सो इसको हम कट करें, इतनी बचा ली मैंने इसको, इतना कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और कट कर देते। अब हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट करनी है चीज, वो है शार्पनर अटैच करना, वेरी हार्ड थिंग, बट सो गाइस मेरे पास शार्पनर सो खूब सारे हैं, यू कैन सी दैट। देखिए कितने सारे शार्पनर्स हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन से कलर के शार्पनर डालूँ इसमें, तो मैं पिंक कलर का शार्पनर लगाऊंगी बिकॉज वो बिल्कुल पिंक है। ग्रीन हमने कर दिया है, येलो भी नहीं लगाएंगे हम, पिंक लगाएंगे, पिंक और ब्लू, पिंक लगाते हैं। सो पिंक को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, और फिक्स करने के बाद मिलते हैं आपसे। सो फिक्स आप बिल्कुल अच्छे से करें, बिकॉज ये इसके चांसेस बहुत है निकलने के, निकल गया तो फिर आपका पूरा भंडा फोड़ हो जाएगा, मीन्स आप इससे बॉल कैचर गेम से खेल ही पाएंगे। मैं आपको लास्ट में एक बात भी बताऊंगी, फिर आप उससे भी कर सकते हैं। गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान मत दीजिए, नीचे शॉप है हमारे घर के, तो बस उससे आवाजें आ रही हैं। और ये मैंने इसको लॉक कर दिया है फुल ऑन फुल, मैं आपके पास आके दिखाती हूँ। ये देखिए लग गया है, कितना अच्छा गेम है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको जो हमने ये शार्पनर करा है इसमें हम एक बार इसको टेप से सिक्योर कर लेंगे। अगर हम टेप से इसको सिक्योर नहीं करेंगे सो ये बहुत चांसेस है इसके गिरने के, बिकॉज अभी ये बिल्कुल टाइट एंड फाइन नहीं है। मैं आपको पास में ला के तब दिखाया था मैंने, ठीक है। तो अब हम इधर ही साइड से टेप लगाएंगे, सो सिक्योर हो गई है। सो बस अब डेकोरेशन बाकी है, तो आप जो चाहें वो डेकोरेशन करिएगा इसके अंदर। और प्लीज़ आप लिंक को ज़रूर देखिएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा और प्लीज़ मेरी सब वीडियोस देखिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब डेकोरेट करना है, तो मैं सोच रही हूँ हम डेकोरेट कैसे करें, बहुत इजी तरीके से करेंगे हम डेकोरेट।
गाइस हम लोग, तो गाइस अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं, अब कट कर लेते हैं इसको, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप कट कर लेंगे। तो ये दो मैंने इस शेप के काटे हैं। अब पेस्ट कर देते हैं इसको। गाइज मैंने इसको देखिए एक यहाँ से इसको ऐसे लगाया और एक यहाँ से, और अब बीच में हम कुछ करते हैं, आईज बना देते हैं हम। अब मैं आइस काट रही हूँ, आइस काटने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस मैंने देखिए इसके टू सर्कल्स काट लिए, अब हम एक स्माइल भी काटेंगे, वो भी इस कलर से, इस ऑरेंज कलर से। तो दिखाते हैं आपको, काट के मैं दिखाती हूँ। गाइस इसकी टू वन स्माइल बन गई है और ये टू सर्कल्स बन गए, अब हम इसको पेस्ट करते हैं। चलिए और अब इसकी स्माइली भी हम चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए गाइस हम लोग ने इसको पूरा डेकोरेट कर लिया है, देखिए ठीक है। तो अब हमें खेलना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे खेलते हैं हम इसको। एक मिनट गाइस, ये देखिए गाइस गया शार्पनर इसके अंदर। ये देखिए गया, तो बस ऐसे करके। और आप मेरे लिंक नीचे लिंक में देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी वीडियो के लिंक होंगे और आप उसमें क्लिक कर करके मेरी वीडियो को और देख सकते हैं। तो आज का ये क्राफ्ट हमारा रेडी है, बाय।